बारिश होते ही टपकने लगती थी छत। उधार के एलपीजी सिलेंडर से चलता था घर। पिताजी ने 4% ब्याज पर पैसे उधार लेकर बेटे को भेजा था प्रयागराज। पिता की टूट रही थी हिम्मत। बेटे ने कहा, पापा कुछ दिन का और दे दो साथ, मेहनत का फल बेकार नहीं गया। बेटे ने रातों रात हासिल कर ली इतनी बड़ी कामयाबी, देखकर दुनिया को भी हो गई हैरानी। जी हाँ, ये कहानी है प्लास्टिक की छत के नीचे गुजर बसर करके यूपीएससी में कामयाबी का परचम लहराने वाले पवन कुमार की। कहते हैं हजारों साल नरगिस पेनरी का रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदार। पवन कुमार वो बेटे हैं जो मुश्किल हालातों को पार करते हुए कामयाबी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हम आपको पवन की ही कहानी क्यों दिखा रहे हैं, इसका कारण ये है कि हम दावा करते हैं कि पवन की कहानी देखने से ज्यादा आपको सोशल मीडिया पर बन रहे कमर मटकाने वाले रील्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर आप भी अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हो तो उन्हें पवन की कहानी जरूर दिखाइएगा। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। घर में लकड़ी का चूल्हा है, गैस सिलेंडर भरवाने तक के पैसे नहीं है, छत के ऊपर एक प्लास्टिक बिछाई गई है ताकि बारिश का पानी सीधे घर में ना आ पाए। बरसात में पूरे घर में छत से पानी टपकने की वजह से कीचड़ हो जाता है। बारिश में टपकते छप्पर के घर में पड़ते समय भी पवन कुमार का हौसला नहीं टूटा। उनकी आंखों में परिवार के हालातों को सुधारने और देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना था। उनके सपने को साकार करने के लिए पूरा परिवार जुट गया। माँ ने अपने गहने तक बेच दिए तो पिता और छोटी 3 बहनों ने दूसरे के खेत में मजदूरी की, जिससे पवन की पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आ पाए। पवन ने कड़े संघर्ष के बाद माता पिता और बहनों के सपने को साकार कर दिया। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 में 239वीं रैंक हासिल की। उनकी इस उपलब्धि को हर कोई सराहा रहा है और ये कहानी है बुलंदशहर के ऊंचा गांव ब्लॉक के रघुनाथपुर के रहने वाले पवन कुमार की। पवन एक गरीब पिता के बेटे हैं। कहने के लिए सारी योजनाओं का फायदा इन्हें मिल सकता था, लेकिन मुखिया और सरपंच ने बदमाशी करके इनकी फैमिली के लिए ना तो घर पास करवाया और ना ही दूसरी सुविधाएं इन तक पहुंचाई। लेकिन जैसे ही पवन की कामयाबी की खबर सुनी, सब मिठाई लेकर उनके घर पहुंच गए। माली हालात इतनी खराब कि घर में गैस सिलेंडर है लेकिन उसे भरवाने तक के पैसे नहीं है। पवन की माँ सुमन चूल्हे पर ही रोटी बनाती है। घर में हैंडपंप तक खराब पड़ा हुआ है, दूसरों के यहाँ से पानी लाना पड़ता है, उसे ठीक करवाने के पैसे तक नहीं है। पवन के माता पिता सरकारी स्कूल के नल से पानी भर कर लाते हैं। पिता ने जैसे ही बेटे की कामयाबी की खबर सुनी, वो फौरन बोल पड़े, भगवान शिव के आशीर्वाद से आज मन बहुत खुश है। उनकी पूजा, पवन और पूरे परिवार की मेहनत सफल हो गई। अब जरा पवन की कामयाबी का राज भी जान लीजिए। पवन पहली बार यूपीएससी की परीक्षा में अपियर हुए तो बस ये जानना चाहते थे कि यूपीएससी में होता क्या है, कैसे एग्जाम होते हैं और इंटरव्यू कैसे होता है। दूसरी बार में उन्होंने इसे गंभीरता से ले लिया और लगन के साथ पढ़ाई की। तीसरी बार में सफलता मिल गई। वो पहले 2 प्रयास में असफल रहने के बाद भी निराश नहीं हुए। वो पहले प्री और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, तीनों परीक्षाएं पास की। पहली बार की परीक्षा में पवन समझ चुके थे कि उनका इंटरव्यू कैसा जाने वाला है। उन्होंने इसे पर्सनल टेस्ट के तौर पर ले लिया और परीक्षा में शामिल हो गए। वो 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करते। प्री परीक्षा पास करने के बाद मेंस एग्जाम के लिए केवल 2 महीने दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर में पढ़ाई की और आखिरकार तीसरी कोशिश में कामयाबी मिल गई। विकास दिव्य कीर्ति सर का उनके ऊपर हाथ गया और अचानक पवन की जिंदगी बदल गई। पवन की इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे और उन्हें कैसे बधाई देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।